केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी मंगलवार को बाड़मेर क्षेत्र के दौरे पर रहे। मंत्री ने बालोतरा में राजकीय नाहटा अस्पताल का दौरा कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली, साथ ही कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों की हौसला अफजाही भी की। मंत्री ने कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाइयों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा अस्पतालों को हर संभव मदद भी दी जाएगी। बालोतरा से अनिल वैष्णव की रिपोर्ट। बाड़मेर जिले में महामारी वाली कोरोना की दूसरी लहर काफी आक्रामक रूप ले रही है। इसी बीच स्थानीय प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि समय समय पर चिकित्सा संस्थाओं का दौरा कर हालातों को सुधारने के प्रयास में लगे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री एवं बाड़मेर से सांसद कैलाश चौधरी ने भी चिकित्सा संस्थाओं का दौरा कर वर्तमान स्थितियों पर नजर बनाई। जिला मुख्यालय स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल के दौरे के बाद मंगलवार को कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बालोतरा उपखंड मुख्यालय के नाहटा अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री चौधरी ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों में पहुंचकर कोरोना मरीजों से मुलाकात कर उनकी कुशल सैम जानी और मरीजों की हौसला अफजाई की। वहीं केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने चिकित्सा प्रबंधन के साथ बैठक कर वर्तमान स्थितियों का फीडबैक लिया। चौधरी ने पीएमओ डॉक्टर बलराज सिंह से उपलब्ध बेड, ऑक्सीजन आपूर्ति एवं अन्य आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता पर निर्देशित किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन या दवाइयों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। केंद्र सरकार से हर संभव मदद दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बढ़ते मरीजों को देखते हुए कस्बे में भाजपा द्वारा 50 बेड का कोविड केयर सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसकी समस्त व्यवस्था भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने बाड़मेर जिला प्रशासन को पत्र लिखकर चिकित्सकीय स्टाफ की को मुहैया करवाने की बात कही है। यहाँ पर पैसा दिया था तो उसका भी मैंने रिव्यू लिया कि जल्दी वहाँ पर जो ऑक्सीजन कितने सेंटर जो है वो भी आए, और हमने ये भी प्रशासन से कहा है कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आए। यहाँ पर अगर दूसरा हॉस्पिटल भी अगर बनाने की आवश्यकता होगी तो मैं और मेरी पार्टी तैयार है। हमने प्रशासन से यही कहा कि सारी सुविधाएं हम करेंगे, चाहे उसके लिए बेड की व्यवस्था हो, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, या ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की आवश्यकता हो, या जो भी आवश्यकता होगी करेंगे। मैन पावर है वो राज्य सरकार अवेलेबल करवाई, तो उसके लिए चाहे डॉक्टर है या नर्स स्टाफ है, उसकी व्यवस्था करने के लिए हमने प्रशासन को पत्र लिखा है। और निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र की जनता है, उसके लिए हम निश्चित रूप से हर समय तैयार है। और पूरे देश के अंदर निश्चित रूप से ये महामारी है, इसको निजात पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और हमें हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से जो काम हुए हैं इस समय आवश्यकता अनुसार, जैसा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन है उनकी क्वांटिटी को बढ़ाना और उनके प्लांटों को बढ़ाना, जहां पहले 7 प्लांट थे अब उसके 55 प्लांट कर दिए गए हैं। वही ऑक्सीजन की भी जो मात्रा थी पहले, जहां पर सिर्फ 1200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मेडिसिन के अंदर आता था, लेकिन आज लगभग 10,000 मैट्रिक टन प्रतिदिन ये जो ऑक्सीजन की व्यवस्था हुई है, जिसकी वजह से आज हॉस्पिटलों के अंदर ऑक्सीजन की भी किल्लत नहीं है और रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी कोई किल्लत नहीं। और आवश्यकता पड़ी चाहे फ्रांस से लाने की आवश्यकता तो भारत सरकार ने की है, ऑक्सीजन को फॉरेन से लाने की बात की तो उसके लिए प्रधानमंत्री निश्चित रूप से दिल्ली उसकी रिव्यू में तक लेकर पर व्यवस्था के लिए निश्चित रूप से कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ इस समय राज्य सरकार को और हम सबको मिलकर इस महामारी से किस तरह से निजात पाएं, इस दृष्टि से हमें काम करने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने सोमवार को जिला मुख्यालय स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बाड़मेर के प्रशासनिक अधिकारियों पर सांसद निधि से स्वीकृत किए गए फंड का उपयोग नहीं करने का भी आरोप लगाया था। नाहटा अस्पताल में केंद्रीय मंत्री ने निरीक्षण के दौरान चिकित्सा प्रबंधन के अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।